अध्याय 12 अपन पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग भाग 2। यदि एक व्यक्ति आनुवंशिक रोग या हेरिडिटी डिसीज के साथ पैदा हुआ है तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है? हाँ, इसका जवाब है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक ऐसा ही प्रयास है जिसमें हेरिडिटी डिसीज या आनुवंशिक रोग से ग्रसित व्यक्ति में, या कहना चाहिए उसको रोग रहित किया जा सकता है। कैसे किया जाता है आगे जानते हैं। जीन थेरेपी में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण मतलब चाइल्ड या एम्ब्रियो में चिन्हित किए गए जीन डिफेक्ट का सुधार या करेक्शन किया जाता है। इस विधि में रोग के उपचार हेतु जीनों का व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। मतलब इसमें क्या करते हैं कि कोई डिफेक्टेड जीन है उसको हटा देते हैं और उसकी जगह सेल्स या टिश्यू में एक अच्छी या एक हेल्दी पर्सन की एक अच्छी जीन को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है, जेनेटिक डिफेक्टेड या आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन या नॉर्मल जीन को व्यक्ति या भ्रूण मतलब इंडिविजुअल या एम्ब्रियो में स्थानांतरित करते हैं। जो नॉन फंक्शनल जीन की क्षतिपूर्ति मतलब जो नॉन फंक्शनल या निष्क्रिय या कहना चाहिए हार्मफुल जीन है उसकी जगह जाके अपना काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम या एडीए की कमी या डिफिशियंसी को दूर करने के लिए किया गया था। बात को ऐसे समझ सकते हैं कि एक 4 वर्षीय बच्ची थी, उसमें एक एडीए बनाने वाले जीन की कमी थी। तो क्या किया गया, उस जीन को उसकी सेल्स में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, यह जो एडीए है इसका संबंध किससे है? एडीए एक एंजाइम है जो इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। यह डिसऑर्डर या यह संलक्षण एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाने वाली जीन के डिलेशन, शब्द याद रखना डिलेशन या लोप होने के कारण होता है। डिलेशन का मतलब उसमें से गायब हो जाना, जीन का हट जाना। ठीक है, तो यह जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम बनाने वाली जीन है यदि उसका डिलेशन हो जाए तो यह समस्या उस जीन में पैदा हो जाती है और जीन थेरेपी के द्वारा अपन क्या करते हैं उस जीन को उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण मतलब बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन से होता है, जबकि कुछ में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा मतलब एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी का भी उपचार किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि कुछ में तो अपने क्या किया, यदि जीन थेरेपी नहीं करें तो जीन थेरेपी का ऑप्शन क्या है अपने पास, ये 2 ऑप्शन है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये थेरेपी क्या है, ये थेरेपी की एक समस्या है। वो क्या समस्या है, इसमें क्या होता है कि इनमें इंजेक्शन के द्वारा रोगी को फंक्शनल एडीए दिया जाता है और जब अपन समय समय पर इनको देते रहेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है ये ये दोनों विधियां क्या है पूर्णतया रोगनाशक नहीं है, ये बार बार इलाज करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जीन थेरेपी में क्या होता है, जीन थेरेपी में कंप्लीटली क्या हो जाता है क्यूरेटिव होती है। अब जीन थेरेपी में सर्वप्रथम पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट को निकालकर शरीर से बाहर उसका कल्चर किया जाता है। जीन थेरेपी में क्या करते हैं, बात यह है इसको समझो, जीन थेरेपी में सबसे पहले कल्चर मतलब उनकी संख्या बढ़ाते हैं, लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ा लेते हैं कल्चर करके, फिर क्या करते हैं सक्रिय एडीए के सीडीएनए को रेट्रोवायरल वेक्टर का प्रयोग करके, रेट्रोवायरल क्या है एक बैक्टीरिया है जिसको वेक्टर की तरह प्रयोग करके लिम्फोसाइट में किसको पहुंचा देते हैं, एडीए के जो क्लोन्ड डीएनए है उनको प्रवेश करा देते हैं और अंत में
पेशेंट के शरीर में वापस उस लिम्फोसाइट को फिर से ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि वो लिम्फोसाइट अपन वापस उसके शरीर में ट्रांसफर करते हैं वो कैसी होती है, मृत प्राय, इमोर्टल होती है, मतलब वो कैसी है, मरी हुई जैसी, ठीक है। इसलिए आनुवंशिकता निर्मित लसिकाणु, मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है, ठीक। यदि बोन मैरो सेल्स या मज्जा कोशिकाओं से आइसोलेट अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था या अर्ली एम्ब्रियोलिक स्टेज में कोशिकाओं में प्रवेश करा दिया जाए तो एक स्थायी उपचार या परमानेंट क्योर भी संभव है, ठीक है। अब अपन जानेंगे आणविक निदान या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। हम जानते हैं कि रोग के प्रभावी उपचार या इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान या अर्ली डायग्नोसिस तथा रोग क्रिया विज्ञान मतलब पैथो फिजियोलॉजी, इन दो चीजों को समझना बहुत आवश्यक है, तब हम रोग का बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं। उपचार की परंपरागत विधियों या कन्वेंशनल मेथड में क्या करते थे अपन, सीरम ली, यूरिन लिया और ब्लड लिया, इनके सैंपल लिए, इनकी एनालिसिस की और इनका एनालिसिस करते हुए रोग का प्रारंभ में पता लगाना या अर्ली डिटेक्शन करना संभव नहीं हो पाता था। कुछ ऐसी तकनीक है, ये सब जो तकनीक है ना, सीरम वाली और यूरिन विश्लेषण वाली, ब्लड टेस्ट वाली, इन सब तकनीकी में क्या होता है कि रोग की अर्ली डायग्नोसिस की नहीं जा सकती, इसलिए पुनर्योग डीएनए प्रौद्योगिकी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे पीसीआर कहते हैं, तथा तीसरी है एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जिसे एलिसा के नाम से जानते हैं। ये ऐसी विधियां हैं जो परंपरागत विधियों से हटके हैं। इनसे क्या करते हैं अपन, इनसे रोग के जीवाणु वगैरह की प्रारंभ में ही जानकारी हो जाती है। रोगजनक जीवाणु हैं, विषाणु हैं, मतलब बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, इनकी उपस्थिति का सामान्यतः तब पता चलता है जब उनके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उस समय तक रोगजनक की संख्या हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, इसलिए जब उनकी संख्या बहुत अधिक हो चुकी होती है तो उस पर कंट्रोल करना भी बड़ा कठिन काम हो जाता है। जब बहुत कम संख्या में रोगजनक हों उस समय रोग के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते, तब उनकी पहचान अपन किसके द्वारा कर सकते हैं, तब उनकी पहचान अपन पीसीआर द्वारा कर सकते हैं और अपन एलिसा द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस विधियों का उपयोग करके उनका अपन शुरुआत में पता कर सकते हैं। पीसीआर में करते क्या है, पीसीआर द्वारा अपन रोगजनक के जो डीएनए या आरएनए होते हैं उनके थोड़ी सी मात्रा को निकालते हैं और उनका एम्प्लीफिकेशन करते हैं और उसकी मात्रा बढ़ा लेते हैं और मात्रा बढ़ा के पता कर लेते हैं कि हमारे शरीर में जो रोगजनक है वो किस प्रकार के हैं, ठीक है। क्या तुम बता सकते हो कि पीसीआर द्वारा डीएनए की बहुत कम मात्रा से ही रोग की पहचान कैसे की जा सकती है, विचार कीजिए इस बात पे कि पीसीआर में अपन क्या कर रहे हैं, बहुत कम मात्रा निकाल रहे हैं और बहुत कम मात्रा निकाल के ही रोगजनक की या जो पैथोजेंस है उसकी क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि किस प्रकार का बैक्टीरिया है या वायरस है अपनी बॉडी के अंदर। संदेहात्मक एड्स रोगियों में एचआईवी की पहचान किसके द्वारा, पीसीआर के द्वारा आजकल आसानी से की जा रही है। इसका उपयोग संदेहात्मक कैंसर रोगियों की जीन में होने वाले उत्परिवर्तनों को पता करने में भी किया जा रहा है। तो पीसीआर के द्वारा अपन एड्स, जैसे किसी का संदेह होता है अपन तो प्रारंभ में जैसे अपन को शक हुआ कि इसको ये डिसीज हो सकती है तो अपन क्या करते हैं, बहुत कम मात्रा में उसकी बॉडी में से पार्ट निकालते हैं और उसकी अपन पीसीआर के द्वारा बहुत अधिक मात्रा कर लेते हैं और उसके बाद उसका डिटेक्शन करके और आसानी से अपन प्रारंभ में ही, रोग के प्रारंभ में ही पूरी जानकारी पता कर लेते हैं। यह एक उपयोगी तकनीक ही है जिसके द्वारा बहुत सारे दूसरे आनुवंशिक दोषों की भी पहचान की जा सकती है। डीएनए या आरएनए की एक
डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला से विकिरण सक्रिय अणु जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं, जिसे बाद में फोटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं। क्लोन जिसमें उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं, छाया चित्र पटल मतलब फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि प्रोब पर उत्परिवर्तित जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते। ठीक है, एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन या एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे या एलिजा में अपन क्या करते हैं, एलाइजा में अपन किस प्रकार से रोग का पता लगाते हैं उसकी बात करेंगे। यह प्रतिरक्षी पारस्य क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान एंटीजनों मतलब एंटीजनों या प्रतिजनों जिन्हें अपन प्रोटीन जन या ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं की उपस्थिति या रोगजनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्ष की पहचान के आधार पर की जाती है। मतलब अपनी बॉडी के अंदर जब कोई एंटीजन आता है तो अपनी बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो इस विधि में अपन क्या करते हैं, बॉडी में एंटीबॉडी की पता करते हैं। यदि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है तो अपन को पता चल जाएगा कि ये एंटीबॉडी किसके हैं, तो उसकी तुलना अपन उससे कर लेते हैं कि ये एंटीबॉडी आमतौर पर इस रोग के प्रति बॉडी में बनते हैं, उनका अपन फिर एक वो होता है पूरा लेखा जोखा, उससे अपन तुलना करके पता करते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल या परजीवी जंतु क्या होते हैं। ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन या डीएनए मैनिपुलेशन द्वारा एक बाहरी या फॉरेन जीन को प्रवेश कराया जाता है और वह अपना लक्षण व्यक्त या एक्सप्रेस करता है, इस प्रकार के जीवों को परजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। बात समझ में आई? इसको ऐसे समझें कि कोई एक जंतु है, उसके अंदर अपन ने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किसी दूसरे जंतु या किसी बैक्टीरिया या वायरस किसी का एक जीन लिया और ट्रांसफर कर दिया, उस जंतु के अंदर वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे, वो जीन अपने लक्षण दिखाने लगे, तो इस प्रकार के जंतु को अपन ने क्या नाम दे दिया, ट्रांसजेनिक एनिमल या परजीवी जंतु। परजीवी चूहे, परजीवी खरगोश, सूअर, भेड़, गाय, मछलियां आदि पैदा हो चुके हैं। इसके बावजूद उपस्थित कुल परजीवी या ट्रांसजेनिक एनिमल्स में 95% से अधिक चूहे हैं। इस तरह के जंतुओं का उत्पादन क्यों किया जाता है, इस तरह के परिवर्तन से मानव को क्या लाभ है, इन बातों का जवाब अपन पता करेंगे। अब हम कुछ सामान्य कारणों का पता करेंगे जो इन प्रश्नों का जवाब देंगे। सामान्य शरीर क्रिया व विकास, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। दूसरा, रोगों का अध्ययन या स्टडी ऑफ डिसीज। तीसरा, जैविक उत्पाद या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। चौथा, टीका सुरक्षा या वैक्सीन सेफ्टी। और पांचवा, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण या केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। इन सब के लिए अपन परजीवी जंतुओं या ट्रांसजेनिक एनिमल का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे सामान्य शरीर क्रिया विकास या नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के बारे में। परजीवी जंतुओं या ट्रांसजेनिक एनिमल्स का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिससे जीनों के नियंत्रण व उनका शरीर के विकास व सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सके। बात समझ में आई? पहला उद्देश्य क्या है कि इन एनिमल्स का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि जो जीन्स होती हैं वो जीन्स अपने शरीर में किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, शरीर पर उनके शरीर के विकास पर या शरीर में जो कार्य होते हैं उन पर इन जीन्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन भी अपन करते हैं इस प्रकार के ट्रांसजेनिक एनिमल के निर्माण के द्वारा। ठीक है, जैसे कि विकास में भागीदार इंसुलिन जैसे जटिल कॉम्प्लेक्स फैक्टर का अध्ययन करना। दूसरी,
जाति या स्पीसीज के जीन्स को प्रवेश कराने के उपरांत कॉम्प्लेक्स फैक्टर के निर्माण में होने वाले परिवर्तनों और उसके बायोलॉजिकल इफेक्ट का अध्ययन करना। अपन को पता चला अपन क्या क्या कर रहे हैं कि अपन जब किसी दूसरे एनिमल का जीन किसी दूसरे एनिमल के अंदर ट्रांसप्लांट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो उस एनिमल की शरीर पर, उसके विकास पर, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अपन इस प्रकार के एनिमल्स में इस चीज का अध्ययन कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फैक्टर की शरीर में बायोलॉजिकल रोल के बारे में सूचना प्राप्त कर लेते हैं। अब अपन बात करेंगे रोगों का अध्ययन या स्टडी ऑफ डिसीज के लिए पारजेनिक जीवों का अपन उत्पादन करते हैं। अनेकों पारजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं जिनसे रोगों के विकास में जीन की भूमिका की जानकारी प्राप्त हो जाती है। पारजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल्स विशिष्ट रूप से निर्मित किए जाते हैं जो मानव रोगों के लिए नमूने के रूप में या मॉडल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के नए उपचारों की खोज या इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। ठीक है, वर्तमान समय में मानव रोगों जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर, इन सब के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल उपलब्ध हैं। अगला है जैविक उत्पाद या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। कुछ मानव रोगों या ह्यूमन डिसीज के उपचार के लिए मेडिसिन की आवश्यकता होती है जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनी होती है। ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर बहुत महंगा होता है। ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो उपयोगी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उनको बना लिया जाता है। उनमें डीएनए के ऐसे खंडों या जीनों को प्रवेश करा देते हैं जो विशेष उत्पाद के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, जैसे कि मानव प्रोटीन अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन का उपयोग इम्फासीमा नामक डिसीज के निदान के लिए किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। अब अपन को पता चल गया कि अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है, इम्फासीमा के ट्रीटमेंट के लिए किया जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इस प्रकार का जीन किसी ट्रांसजेनिक एनिमल में ट्रांसफर करेंगे और उससे अपन प्रोटीन प्राप्त कर लेंगे। ठीक इसी तरह से फिनाइल कीटोनुरिया व सिस्टिक फाइब्रोसिस या पुटी रेशा मेटा के निदान में भी इसका उपयोग किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। ठीक है, वर्ष 1977 में सर्वप्रथम पारजीवी गाय या ट्रांसजेनिक काऊ रोजी का निर्माण किया है, रोजी बनाई गई। ठीक है, इस रोजी ने क्या हुआ, इस रोजी से रोजी के दूध में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है, उस ह्यूमन प्रोटीन में या कहना चाहिए ये उसके एक लीटर दूध में इस प्रोटीन की ह्यूमन के लिए जो आवश्यक प्रोटीन है कौन सी, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन। अल्फा लैक्ट एल्बुमिन प्रोटीन जो कि मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है वो उसके एक लीटर दूध में कितनी पाई जाती है, 2 से 4 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, जबकि साधारण गाय की में इसकी मात्रा न के बराबर होती है और यह प्रोटीन मानव शिशु के लिए अत्यधिक आवश्यक या संतुलित पोषक या बैलेंस प्रोडक्ट की तरह कार्य करती है। अगला है टीका सुरक्षा या वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन का मानव पर प्रयोग करने से पहले वैक्सीन की सुरक्षा की टेस्टिंग जांच होती है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक चूहों पर इसका उपयोग कर लिया जाता है। जब ट्रांसजेनिक चूहों पर इसका उपयोग सही हो जाए, सफल हो जाता है, तब अपन क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक चूहों के बाद उसका उपयोग किस पर करते हैं, बंदरों पर करते हैं। तो पोलियो का टीका या पोलियो की वैक्सीन की सुरक्षा की जांच के लिए पारजीवी चूहों का उपयोग किया जा चुका है। यदि यह सफल व विश्वसनीय पाए गए
तो टीके की जांच किस पे हुई, मैंने अभी बताया था, उसके बाद बंदरों पर की जाती है। जब वहां पर भी सफल हो जाती है तब जाके इसका उपयोग किस पे किया जाता है, इन वैक्सीन का उपयोग मनुष्य पर किया जाता है। अभी अपन रोज बात कर रहे हैं ना, किसकी, आजकल कोरोना की बात कर रहे हैं। तो कोरोना के वैक्सीन का निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, उसके टेस्टिंग चल रहे हैं अभी। जब उसकी वायरस के वैक्सीन की जांच इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर पूरी हो जाएगी तब वो मनुष्य को दिया जाएगा, बात ये है। इसलिए टीका विकसित होने में टाइम लगता है। अगला है रासायनिक सुरक्षा परीक्षण या केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। यह अविषालुता सुरक्षा परीक्षण या टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग कहलाता है। यह वही विधि है जो औषधि अविषालुता परीक्षण या टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग हेतु प्रयोग में लाई जाती है। परजीवी जंतुओं या ट्रांसजेनिक एनिमल्स में मिलने वाले कुछ जीन इसे टॉक्सिक पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील या मोर सेंसिटिव बनाते हैं, जबकि नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आई? जब अपन किसी ट्रांसजेनिक एनिमल को कोई केमिकल लगाएंगे या टेस्ट के लिए उस पर अपन प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें उसके प्रति अति संवेदनशीलता, मतलब वो क्या करेगा, एलर्जी जल्दी शो करेगा, क्योंकि नॉर्मल एनिमल्स में एलर्जी इतनी जल्दी नहीं होगी। समझ में आई बात? तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को टॉक्सिक पदार्थों के संपर्क में लाने के बाद उन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है और तदुपरांत उन टॉक्सिक पदार्थों से मनुष्य के उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार परजीवी जंतुओं या ट्रांसजेनिक एनिमल्स में टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग करने से कम समय में अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। अब आती है बात नैतिक मुद्दों की। मानव द्वारा अन्य जीवधारियों या अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म से हित साधन या उनमें मैनिपुलेशन करने के कुछ रूल्स रेगुलेशन की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य क्या करता है कि किसी भी हद तक जा सकता है जिससे क्या होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को हानि पहुंच सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ रूल्स रेगुलेशन की आवश्यकता है इसको कंट्रोल करने के लिए। ऐसे मानवीय क्रियाकलाप जो जीवधारियों के लिए असुरक्षात्मक या हानिकारक हो, उनकी जांच परख या एवेल्युएट द मॉरलिटी के लिए कुछ नैतिक मानदंडों या एथिकल स्टैंडर्ड्स की आवश्यकता है। ऐसे मुद्दों में नैतिकता या मॉरलिटी के लिए के जैव वैज्ञानिक महत्व या बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। जीवों के आनुवंशिक रूपांतरण या जेनेटिक मॉडिफिकेशन के तब अप्रत्याशित परिणाम या अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट निकल सकते हैं जब ऐसे जीवों का पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में सन्निवेशन कराया जाए या इनको इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया जाए। तब क्या देखने को मिलेगा, तब अपन को पता चलेगा कि सही इनके क्या परिणाम निकल सकते हैं, जो अपन नहीं सोच सकते इस प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने ऐसे संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया है जैसे कि GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अर्थात आनुवंशिक अभियांत्रिकी संस्कृति समिति। GEAC GM अनुसंधान मतलब जेनेटिकल मॉडिफाइड रिसर्च संबंधी कार्यों की वैधानिकता मतलब वैलिडिटी जनसेवाओं या पब्लिक सर्विस के लिए GM जीवों या GM ऑर्गेनिज्म के इंट्रोड्यूस करने की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेगी। मतलब कोई भी कंपनी या कोई संगठन अचानक से लोगों के लिए कुछ भी तैयार करके उसको लोगों तक नहीं पहुंचा जा सकता, उससे पहले GEAC उसकी जांच करेगी। ठीक है, इसी प्रकार पब्लिक सर्विस के लिए जीवों के रूपांतरण या मॉडिफिकेशन तथा उनके उपयोगिता पर पेटेंट प्राप्त करने की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि फूड एवं चिकित्सा स्रोतों या मेडिसिन सोर्स हेतु जीवों के रूपांतरण के लिए पेटेंट प्राप्त करना, इस पर कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं, अपन को पता है, चर्चा में है, जनमानस में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कुछ कंपनियां
आनुवांशिक पदार्थों या जेनेटिक मटेरियल पौधों व अन्य जैविक संसाधनों या बायोलॉजिकल रिसोर्स का उपयोग कर बनने वाले उत्पाद और तकनीकी मतलब प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी, इन दोनों को पेटेंट प्राप्त कर रही हैं। कुछ कंपनियां क्या कर रही हैं कि जो पौधे हैं उनसे जो रिसोर्स प्राप्त होते हैं या प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, उन प्रोडक्ट और उनकी उनके उत्पादन करने की उत्पादन करने या प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी, इन दोनों पर पेटेंट प्राप्त कर रही हैं। तो इसलिए और ये जो चीजें हैं या जो प्रोडक्ट हैं या जो ऑर्गेनिज्म है वो पहले से ही प्रकृति के अवयव हैं, क्योंकि जो प्रकृति के अवयव हैं वो सभी के लिए हैं, इसलिए उन पर कोई पेटेंट प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार की विवाद जनमानस में और कंपनियों के बीच में है, ठीक है। जबकि उत्पाद व तकनीकी प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी बहुत समय से विकसित व पहचानी जा चुकी है और किसान तथा विशेष क्षेत्र या देश के लोगों द्वारा सदियों से इनका उपयोग किया जा रहा है। धान मतलब राइस एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न या ग्रेन है जिसके बारे में हजारों वर्ष पहले से एशिया की कृषि के इतिहास में वर्णन मिलता है। एक अनुमान के अनुसार केवल भारत में धान की लगभग 2 लाख वैरायटीज मिलती हैं। भारत में धान की जो वैरायटीज हैं वह विश्व की सर्वाधिक विविधताओं में से एक है। बासमती धान अपनी सुगंध व स्वाद के लिए मशहूर है और इसकी 27 पहचानी गई वैरायटी भारत में उगाई जाती है। पुराने ग्रंथों, लोक साहित्य व कविताओं में बासमती का वर्णन भारत के ग्रंथों में बहुत लंबे समय से देखने को मिल रहा है, जिससे यह पता चलता है कि यह कई सौ वर्षों पहले से भारत में उगाया जाता रहा है। वर्ष 1977 में एक अमरीकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकन पेटेंट व ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा पेटेंट अधिकार प्राप्त कर लिया था, जिससे कंपनी बासमती की नई किस्मों को अमेरिका व विदेशों में बेच सकती है। बासमती की यह नई किस्म वास्तव में भारतीय किसानों की किस्मों से विकसित की गई थी। इस कंपनी ने भारतीय बासमती को अर्ध बोनी किस्मों मींस सेमी ड्वार्फ वैरायटी से संकरण या क्रॉस कराकर नई खोज या एक नई उपलब्धि का दावा किया, जो कि वास्तविकता में ऐसा नहीं था। अमेरिकन कंपनी के पेटेंट प्राप्त होने के बाद एक एकाधिकार के तहत अन्य लोगों द्वारा बासमती का विक्रय प्रतिबंध हो सकता था। इसलिए ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन मतलब प्रॉपर अथॉराइजेशन या उनको बिना कंपनसेटरी पेमेंट किए